लाइफ में ना हम अक्सर बेस्ट चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें अब तक बेस्ट चीज़ मिली ही नहीं है। अब क्या कभी आपने रुक के ये सोचा है कि भगवान ने आपको जो दिया है, क्या पता वही आपके लिए बेस्ट हो। हाँ जी, तो मेन रोड वो रहा वहाँ पे, वहाँ से मैं थोड़ा अंदर आया क्योंकि मुझे यहाँ से इस ब्लॉग को स्टार्ट करना था। तो बहुत दिनों से हमारी एक राइड कैंसिल हो रही थी, बट आज कैसे भी टाइम मैनेज करके उस राइड को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़े घर से। चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। ये सलमान खान का डायलॉग बीच में आ गया, बट आप थोड़ा चला लो। ओके गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अर्जुन सागर डैम। आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। तो दो रास्ते हैं वहाँ पे जाने के, एक सापुतारा के रास्ते से भी अर्जुन सागर डैम पे हम जा सकते हैं, बट मैंने ये डॉन हिल स्टेशन वाला रास्ता चूज़ किया है क्योंकि जो खूबसूरती इस रास्ते पे देखने को मिलती है ना, वो सापुतारा वाले रोड पे थोड़ी कम देखने को मिलती है, इसलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया है। सो गाइज, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना, वहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता ही है, बट थैंकफुली यहाँ पे हमारा मैप कनेक्ट हो गया है और यहाँ से 2 घंटे और 4 मिनट की दूरी पे है अर्जुन सागर। तो चलो, बढ़िया है। वो देखिए गाइज, वहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं क्योंकि पानी सूख गया है, आज तो इनका खाना हो गया। और भैंस भी देखो कैसे बैठी है आराम करने के लिए। चलिए हम निकलते हैं, यही सब देखने के लिए हमने ये रास्ता चूज़ किया है। यहाँ से आहवा टाउन कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे है और दोपहर के 1:30 बजने को आए हो तो ऑब्वियसली मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि दोपहर को 1:30 बजे मैं लंच करता हूँ। तो अभी जो भी खाना मिलेगा वो आहवा टाउन में ही मिलेगा, उससे आगे कुछ प्रॉपर फूड ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो लेट्स सी, कोई ढंग का कुछ मिला तो खा लेंगे, अदरवाइज़ आज भूखा ही रह लेंगे। तो बेस्ट कंटेंट ढूंढने के चक्कर में कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। तो जो आहवा टाउन में कुछ खाने को मिलेगा ऐसा लग नहीं रहा है, कोई भी ढंग का होटल मुझे दिखा नहीं है और मैं ये सब तला हुआ खाना चाहता नहीं हूँ, तो आज तो भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हमने रास्ता पकड़ा है डॉन हिल स्टेशन वाला। ये देखिए, ये जाता है डॉन हिल स्टेशन, मांगीटुंगी भी यहाँ से जाया जाता है, मुलेर भी, और हम अर्जुन सागर भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। सो लेडीज़ एंड जेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है अर्जुन सागर डैम। और लेट तो मुझे हो ही गया है, ऊपर से मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो व्लॉग है वो मोटो व्लॉग बनता जा रहा है। तो मोटो व्लॉग बने उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बस फिकर सिर्फ इस बात की है कि मोटो व्लॉग करने में बैटरी बहुत जाती है। ऑलरेडी मैंने हाफ बैटरी यूज़ कर ली है हेलमेट में, ये कैमरा लगा के, माइक लगा के मोटो व्लॉग करने में, तो मोटो व्लॉग करने में बैटरी बहुत जाती है, इसी बात की एक दिक्कत है। बट उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ पे हमने लगाया है चार्जिंग पॉट, तो चार्ज हम कर सकते हैं कैमरे को और ये मोबाइल को भी, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा ना इसीलिए। तो अभी जल्दी से, जितना हो सके उतना जल्दी से हम पहुंचने की कोशिश करते हैं अर्जुन सागर डैम की ओर। एक तो ना मुझे अर्जुन सागर के किस हिस्से में मुझे जाना है वो भी मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही निकल पड़ा हूँ। गाइस, ये नज़ारे के लिए हमने ये रास्ता चूज़ किया है। ऐसे ये रास्ता ना हमको 35 मिनट थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, मतलब ये रास्ता थोड़ा हमको ज़्यादा, ये रास्ते से अगर हम जाए तो थोड़ा ज़्यादा राइड करना पड़ता है। सापुतारा वाला जो रोड है वो शॉर्टकट है थोड़ा, बट आपको तो पता ही है आपके भाई ने शॉर्टकट कभी लिया ही नहीं। मैंने मजाक कर रहा हूँ, मुझे इसी रास्ते से जाना था इसलिए। ये देखिए आप, ये नज़ारे देखिए। अभी अर्जुन सागर डैम पे हम जा तो रहे हैं, कहाँ से जाना है, क्या है, कौन सा बेस्ट व्यू पॉइंट है वहाँ का, वो मुझे नहीं पता, बस हम ऐसे निकल पड़े हैं। बट यही तो मज़ा है ट्रैवल का, यही तो मज़ा है वंडरिंग का, कि जो चीज़ आपको नहीं पता वो आप अपने आप से जब पता करें तो जो फीलिंग आती है ना, उसी फीलिंग के लिए हम ऐसे भटकते रहते हैं। ये रहा डॉन हिल स्टेशन का गेट, यहाँ से मैंने जो एक बार रील बनाई थी वो सब ने मेरी रील कॉपी कर करके बहुत फॉलोअर बढ़ा लिए, बट एनीवे चलो जाने दो वो बात।
तो दोपहर के कुछ 2:15 बजे है और मैं पहुंच गया हूं डाउन हिल स्टेशन पे, वो रहा स्टैचू। और अभी मैं गुजरात में हूं, जैसे ही मैं ये लाइन क्रॉस करूंगा यहां से ये पत्थर, हाँ जी, तो अब मैं महाराष्ट्र में हूं। डाउन हिल स्टेशन वैसे मैप में महाराष्ट्र में ऐसा दिखा रहा है। सो गाइस, मैं बहुत बार डाउन हिल स्टेशन पर आया हूँ, बट आपसे एक बात मैं शेयर करना भूल ही जाता हूँ। जितनी भी बार मैं डाउन आता हूँ, मैं यही सोच के आता हूँ कि डाउन पहुँच के आपसे ये बात करूँगा, बट वो रह ही जाते। और वो बात ये है कि डाउन हिल स्टेशन, इस जगह का नाम डाउन इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य, द्रोण, उनका यहाँ पे आश्रम हुआ करता था, तो द्रोण के नाम से फिर यहाँ पे इस जगह का नाम डाउन पड़ गया। हाँ जी गाइस, तो अर्जुन सागर में क्या देखने को मिलेगा मुझे सच में नहीं पता, बट ये रास्तों पे जो देखने को मिल रहा है ना, मैं तो उसी से खुश हूँ। अरे ये देखिए आप, मेरे चारों ओर ये नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है यहीं पे कहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना के रह जाऊँ। ये कैसी जगह है, ऐसे वो पहाड़ दिख रहा है, देख रहे, ऐसे बहुत से पहाड़ मुझे रास्ते में मिले और छोटे छोटे गांव इन पहाड़ की गोद में बसे हैं, बहुत ही छोटे छोटे, चार पांच घरों के गांव भी मैंने देखे रास्ते में। इसीलिए मैंने ये रास्ता चूज किया, पूरे रास्ते में यही बोलता रहा हूँ। तो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे सामने है अर्जुन सागर डैम। और ये डैम का जो बैक वाटर है, इसके आसपास ये छोटे छोटे गांव बसे हैं, ये देखिए ये। तो हमें कहाँ पे जाके बेस्ट व्यू मिलेगा वो एक बार देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये है अर्जुन सागर डैम। बेस्ट व्यू के लिए अभी भी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल हम इस कॉर्नर से, इस छोटे से ब्रिज से एक बार देखते हैं कि ये जगह कैसी दिख रही है। यहाँ पे हम हमारी बाइक को रोक लेते। वाव, आई डोंट नो आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे आइलैंड जैसे बने, खूबसूरत जगह, मुझे और आगे जाके भी देखना है, पहले यहाँ से देख लेते हैं। वाओ गाइस, ये देखिए, यहीं कहीं पे बैठ जाऊं ऐसा मन हो रहा है, बट और थोड़ा आगे जाके देखते हैं। ओके गाइस, तो वो रहा वहां पे अर्जुन सागर डैम, वो आप देख रहे, वो रहा। बट डैम के इर्द गिर्द ड्रोन फ्लाई करना ठीक नहीं रहेगा, तो हम वहां पे नहीं जाते, वहां पे सब मशीनरी मुझे देखनी भी नहीं है। मैं तो एक अच्छा सा व्यू पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे मिलेगा मुझे ऐसा व्यू पॉइंट। लाइफ में ना हम अक्सर बेस्ट चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, यहाँ पे भी मैं बेस्ट व्यू पॉइंट की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, पर एक बार अगर मैं रुक के मेरे इर्द गिर्द नज़र घुमा लूँ ना, तब मुझे पता चलेगा कि सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट वही है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ।
सो गाइस, बेस्ट व्यू पॉइंट ढूंढने के चक्कर में हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं। अभी जो जगह मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस जगह पे मैंने मतलब जो व्यू पॉइंट मैं सोच के आया था वो मुझे मिला नहीं है। शायद ये पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ेगा उधर। Cansé de tus excusas. Dime si existe alguien más. ¿Alguien más? O solo es una historia más. Diría lo mismo si digo que te amo. Hey, yeah. Sinceramente ahora ya ni sé. Solo archivo tus historias pa' no verte nada. Aunque quiero soy sincero, pero es que te tengo cero. तो ये देखिए, बिल्कुल मेरे सामने है अर्जुन सागर डैम। तो हम डैम के दूसरे छोर पे गए थे क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे हम फ्लाई नहीं कर सकते, शूट नहीं कर सकते। बट वहाँ पे कुछ लोग चिकन बना के खा रहे हैं। ये रही गाड़ी। सो गाइस, जिस व्यू पॉइंट की तलाश में अर्जुन सागर की ओर आज मैं निकला था, वो व्यू पॉइंट तो मुझे मिला नहीं। बट मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है क्योंकि बहुत ही खूबसूरती को देखते देखते मैं आया हूँ। और लेट कर दिया है मैंने, आपको पता ही है मेरी लालच, बेस्ट शॉट लेने की लालच। और मेरे चारों ओर खूबसूरती ही है। मैं जब भी ऐसी जगहों पे मैं घूमने के लिए निकलता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन का एक साल बढ़ जाता है। ऐसी जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छी तरीके से जीने लगता हूँ, इसलिए मैं ऐसी जगह की तलाश में घूमता रहता हूँ। ये देखिए है ना, सुकून से भरी हुई जगह। तो बेस्ट व्यू पॉइंट मेरे लिए आज यही है। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज की मेरी जर्नी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। बस बड़ी बड़ी बातें निकल आती है कभी कभी मुँह से।